हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द फोर्थ वीडियो ऑफ प्रिपरेशन ऑफ गेट आर्किटेक्चर DDA एंड अदर गवर्नमेंट आर्किटेक्चरल एग्जाम्स। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो। जीरो टॉलरेंस इन डिजाइन एंड प्रोडक्शन इज पॉसिबल टुडे बिकॉज ऑफ। द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज अवेलेबिलिटी ऑफ हाईली एक्यूरेट डिजिटल मेट्रोलॉजी टूल्स। सो दोस्तों, जो एक्यूरेसी और प्रोडक्टिविटी आई है आज के टाइम में, वो आई है मेनली थ्रू हाई एक्यूरेट एडवांसमेंट इन टेक्नोलॉजी के थ्रू। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अ कोनिक सेक्शन फॉर्म्ड बाय इंटरसेक्शन ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन विद अ प्लेन दैट कट्स थ्रू बोथ द एक्सिस एंड सरफेस ऑफ द कोन इज। सो दोस्तों, इस क्वेश्चन को हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो ये हमारे राइट सर्कुलर कोन हो गए। दीज आर द एक्सिस। तो दोस्तों, एक कोन में ये इसका सरफेस होता है, ये हुआ बेस और ये उसका एक्सिस। तो दोस्तों, इस क्वेश्चन में बोला गया है कि अ प्लेन दैट कट्स थ्रू बोथ द एक्सिस एंड द सरफेस ऑफ द कोन। तो दोस्तों, ये प्लेन कुछ इस तरीके से इस कोन को कट करेगा। तो दोस्तों, ये जो शेप है ये हुआ एलिप्स। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज एलिप्स। दोस्तों, वहीं हमसे अगर कहा जाता कि जो प्लेन है वो पैरेलल है एक्सिस के, तो इस पार्ट में जो शेप बनता वो सर्कल होता। वहीं हमसे कहा जाता कि प्लेन दैट कट्स थ्रू बोथ द एक्सिस एंड द बेस ऑफ द कोन इज, तो प्लेन जो होता वो कुछ इस तरीके से होता यहाँ पे। तो ये जो शेप होता ये पैराबोला होता। वहीं पे अगर जो प्लेन होता वो पैरेलल होता एक्सिस के, यहाँ जो शेप बनते वो होते ये होता हाइपरबोला। और दोस्तों, जो लास्ट ऑप्शन है स्फेराइड, ये होता है रोटेटिंग ऑफ एन एलिप्स बाय वन ऑफ इट्स टू मेजर एक्सिस, और ये कुछ इस तरीके से होते हैं लाइक अ बॉल। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इन एन एस्केलेटर, तो दोस्तों जो एस्केलेटर होता है उसमें दोनों ही हैंडल होते हैं जो मूव करते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बोथ हैंडल्स आर मूविंग। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 34 है। पॉइंटेड आर्च, सेक्सपर्टाइड वोल्टिंग एंड फ्लाइंग बटरेसेस वर द टेक्निक्स टू स्पान द ह्यूज स्पेसेस एंड टू हैंडल द थ्रस्ट इन। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गॉथिक आर्किटेक्चर। तो दोस्तों, ये तो रहे कुछ फीचर्स गॉथिक आर्किटेक्चर के, बाकी ऑप्शंस के भी कुछ मेन फीचर्स को देख लेते हैं। तो दोस्तों, जो बाइजेंटाइन आर्किटेक्चर था इसमें यूज़ किए जाते थे मैसिव डोम्स, राउंडेड आर्चेस एंड स्पायर्स और ग्लास मोज़ेक्स। रोमन आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स थे लिंटल, बैरल वोल्ट, डोम्स, सेमी सर्कुलर आर्च, लाइमस्टोन, कंक्रीट एंड कंक्रीट मोर्टार। इसके अलावा पेडिमेंट इज वन ऑफ इट्स फीचर। दोस्तों, ग्रीक आर्किटेक्चर के कुछ फीचर्स हैं ऑर्डर्स, पेडिमेंट, एंटासिस। अदर देन दिस, एक्रोपोलिस एंड अगोरा आर सम इम्पॉर्टेंट फीचर ऑफ ग्रीक आर्किटेक्चर। नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 35। विला सवाय एट पॉइजी फ्रांस इज अ डिजाइन ऑफ इंटरनेशनली फेम्ड आर्किटेक्ट ली कार्बोजियर्स फिलोसफी ऑफ। सो फ्रेंड्स, दिस विला सवाय इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ फाइव पॉइंट्स ऑफ आर्किटेक्चर विच इज रिटन बाय ली कार्बोजियर हिमसेल्फ। दोस्तों, जो सेक्टर प्लानिंग है वो हमें चंडीगढ़ सिटी में देखने को मिलती है। That was designed by Le Corbusier. So friends, brutalism was emerged in mid 20th century and popular in late 1930s and 1960s. Commonly used in institute buildings like court, administrative buildings, libraries and halls. Brutalism mein generally exposed brick and concrete use hote the. Iske alawa unfinished surface bhi kafi use hote hain. Brutalism is one of the main philosophy of Le Corbusier. He designed plenty of the building based on this philosophy. Iske kuch example hai Unite D Habitation that is in France, Secretariat Building which is in Chandigarh,
Another option given here is surrealism. Surrealism is a cultural movement started in 1920s and best known for visual architecture and writings. And famous example of this movement was City Portrait and NHOK by Victor Enrich. Question number 36 is, Fatehpur Sikri Palace complex of Akbar is a good example of, so the correct answer of this is clustered organization of space. So Fatehpur Sikri is one of the fine example of palace complex. Famous structures within this complex are Buland Darwaza, Birbal's Palace, Anup Talao, Mosque of Salim Chisti, Panch Mahal, Diwane Khas, Diwane Aam. दोस्तों अगर आपको कभी मौका मिले तो प्लीज़ प्लीज़ डू विजिट दिस प्लेस. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड गुड फॉर आर्किटेक्चरल स्टडी. आर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर मार्बल एंड सैंडस्टोन वर यूज्ड इन कॉम्बिनेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन इस्लामिक आर्किटेक्चर. दोस्तों यहाँ जो चार ऑप्शंस दिए हुए हैं इन सभी में रेड सैंडस्टोन और मार्बल का यूज़ हुआ था. तो पहले इन बिल्डिंग के टाइम पीरियड्स को देखते हैं. कुतुब मीनार इज़ इन दिल्ली एंड इट वॉज बिल्ड इन 1193. Alaya Darwaza is also in Delhi and it was built in 1311. Taj Mahal is in Agra, UP. It was built in 1632-49. Last option is Humayun's Tomb. It is in Delhi and built in 1570. So the correct answer of this question is Qutub Minar, which is built in 1193. Question number 38 है, which among the following is not a housing project done by architect V.V. Doshi? So दोस्तों option number A, B and D was designed by V.V. Doshi. जो हुडको हाउसिंग जोधपुर है वो डिजाइन किया है चार्ल्स कोरिया ने. So the correct answer of this question is option number C, हुडको हाउसिंग जोधपुर. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेलबिड एंड बेलूर टेम्पल्स पॉपुलरली नोन एज स्टार शेप टेम्पल्स वर कार्व्ड आउट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए, क्लोरिटिक सिस्ट. इट इज़ वन ऑफ द वेरी ब्यूटिफुल टेम्पल विच समथिंग लुक लाइक दिस. दीज आर सम स्मॉल टेम्पल्स. Here is the main temple. Here is the entrance of temple. And these are some other minars. And these are some steps. Main entrance. And it is located in Karnataka. Now move to the question number 40. Extensive use of built-in furniture, use of brick on edge instead of RCC lintel, corbelled arches, filler slabs and brick jalis in the buildings are characteristic features of the architecture of. So the correct answer of this question is option number C, Laurie Baker. Dosto, inki kuch famous building hai Dakshin Chitra, which is in Chennai, the Hamlet. Baker's Home, Mrs. Nalini's Nayak Home, Fisherman's Village and Computer Center in Ullur. Let's see some other options. Charles Korea has designed Smiley Center, which is in Toronto, Jawahar Kala Kendra, which is in Jaipur, IUCAA Pune. Uttam Jain has designed University of Jodhpur campus, Indira Gandhi Institute, Habibganj Station Bhopal, which is the first PPP model based railway station of India. V.V. Doshi is the first Indian architect who won the Pritzker Award and he designed Sangat Ahmedabad.
लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन बिल्डिंग अहमदाबाद नी गुफा IIM बेंगलोर हिज फिलोसफी इज मेनली ब्रूटलिज्म. अदर देन दिस इन क्वेश्चन नंबर 38 यू कैन सी सम अदर बिल्डिंग्स मेड बाय बीबी दोषी. नाउ टॉकिंग अबाउट क्वेश्चन नंबर 41 विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कॉलोनियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर ए सिमेट्री. सम अदर फीचर्स ऑफ कॉलोनियल स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर आर अ पोर्च, पोर्च एंट्रेंस, पिच रूफ, पेयर्ड चिमनीज and even number of windows, and mainly rectangular shapes facades are used and decorative entrances are used in colonial architecture. Now move to the next question. Human beings have binocular vision that covers about. The correct answer of this question is option number C, 140 degree. दोस्तों जो हमारी आँखें हैं वो एक बार में 140 डिग्री तक का विजन देख सकती हैं without rotating our head. क्वेश्चन नंबर 43 है विच बिल्डिंग इज रिगार्डेड एज द फर्स्ट मॉडर्न बिल्डिंग ऑन इंडियन सॉइल. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज गोलकोंडे विच इज इन पॉन्डिचेरी एंड इट वॉज डिजाइन बाय टोक्यो बेस्ड चेक आर्किटेक्ट एंटोइन रेमंड. बाकी ऑप्शंस को भी देख लेते हैं. हाई कोर्ट चंडीगढ़ वॉज डिजाइन बाय ली कार्बोजियर. IIT दिल्ली वॉज डिजाइन बाय JK चौधरी. And Writers Building Kolkata was designed by Thomas Leon. Now move to the question number 44. The primary factors for perception of depth are. So the correct answer of this question is option number A, convergence, accommodation and disparity due to binocular parallax. So this is the last question of today's video. A square standing on its edge appears. So दोस्तों जो square होता है जब वो उसके साइड पे रेस्ट करता है इन कंपैरिजन टू इट्स एज तो वो काफ़ी छोटा लगता है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, बिगर देन वन लाइंग ऑन इट्स साइड. सो फ्रेंड्स दीज वर दी 15 क्वेश्चन ऑफ टुडेज वीडियो. इफ़ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डू सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो. आई हैव अनदर चैनल ऑन यूट्यूब based on educational and travel, so please check those videos too. दोस्तों मैं ऐसे ही 2 से 3 videos हर week upload करता हूँ. So please subscribe this channel, keep studying and keep supporting me. See you in the next video.